हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे, हम लोग सेवन्थ क्लास का सिविक्स पढ़ रहे हैं बच्चे। और सिविक्स का जो हमारा चैप्टर है ना बेटा, वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे वर्क करती हैं, क्या हैं, कैसे फॉर्म करती हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन आइडियोलॉजी। तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी एक पीपल्स का ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिनकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है, जो एक जैसी सोच वाले, एक जैसी विचारधारा वाले लोग होते हैं। और वो क्या करते हैं, पावर को सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर वो इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और जो पार्टीज़ हैं ना बच्चे, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो करती हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो वो जो प्रोसीजर हैं, जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, उन वो क्या फॉलो करती हैं, एसेंशियल पार्टीज। तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक पीपल का ऑर्गेनाइज ग्रुप होना चाहिए। उसके साथ साथ जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी थिंकिंग है, वो एक जैसी होनी चाहिए। और जो उनका कॉमन एम है वो क्या होना चाहिए, अटेंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ पार्टीज़ बदल रही हैं। और पीसफुल मीन्स टू अटेंड पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टी में जो उनका तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। वो एक पीसफुल तरीके से गेन करना चाहें, अटेंड करना चाहिए, ये उनका क्या होना चाहिए, ये उनकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्री में पाई जाती हैं। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो? यस, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, दोनों इंडिया में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम बात करें अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ दे हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। उनका जो इन्फ्लुएंस है, दबदबा है, उनका प्रभाव है, वो पूरी कंट्री पर होता है। और वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पूरी कंट्री में प्रवेल होती हैं, उनका वर्क पूरी कंट्री में होता है। एंड उनके पास जो इश्यूज़ होते हैं वो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करते हैं। पूरी कंट्री के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो दे यूजुअली गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इश्यूज़। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे इश्यूज़ को प्रायोरिटी देती हैं जिससे कि पूरा का पूरा कंट्री क्या होता है, पूरी की पूरी कंट्री उससे प्रभावित होती है। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं? स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ देयर इन्फ्लुएंस इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया और स्टेट। जिनका इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर स्टेट तक या फिर रीजन तक ही होता है, वो होती हैं स्टेट या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। वहीं पर दे हैव देयर यूनिट ऑल ओवर द स्टेट। उनकी जो यूनिट्स हैं, जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की यूनिट्स पूरी कंट्री में थी, तो यहाँ पर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की यूनिट पूरे रीजन में, पूरे स्टेट में पाई जाती हैं। एंड दे ऑलवेज एम्फसाइज ऑन रीजनल इशूज़, और वो हमेशा उन रीजनल इशूज़ पर जोर देते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स उस एरिया से रिलेटेड होती है उन पर जोर देते हैं। ट्राई टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर रीजन, जो उस पर्टिकुलर रीजन को प्रभावित कर रही है उस पर वो जोर देते हैं, और उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। एंड नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ फंक्शंस दे कैरी आउट। क्यों है इम्पोर्टेंस, कि वो जो वर्क वो करती हैं उसकी वजह से उनकी इम्पोर्टेंस है। द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उनके बीच में और पार्टी के बीच में, जिस तरह से वो पॉलिटिकल सिस्टम से काम करती हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप है, और उसी को कहा जाता है रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टी सिस्टम। तो जो पार्टी सिस्टम है
वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग टाइप्स की पार्टी सिस्टम पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डूवर्जर, जो सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अलग अलग पार्टी सिस्टम बनाए हुए हैं, या फिर उनको कैटेगराइज कर दिया, या फिर उनमें डिफ्रेंशिएट कर दिया है। वन पार्टी सिस्टम क्या किया है डिफ्रेंशिएट, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम तीनों को अलग अलग देखेंगे कि वो तीनों किस किस तरह का पार्टी सिस्टम है। तो वन पार्टी सिस्टम की हम अगर बात करते हैं, तो वन पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी और मोनो पार्टी और यूनिपार्टी, ये तीनों एक ही वन पार्टी के नाम है। चाहे हम उसको वन पार्टी सिस्टम बोलें, चाहे हम उसको मोनो पार्टी सिस्टम बोलें, चाहे हम उसको यूनि पार्टी सिस्टम बोलें, इसका मतलब हम एक ही पार्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी विच फंक्शन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं होता है। तो पावर और उस पर गवर्नमेंट पर कंट्रोल किसका होता है, उसी पार्टी का होता है जो एक ही पार्टी है। जैसे चाइना और क्यूबा दो एग्जाम्पल हैं कि चाइना जहाँ वहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पाई जाती है, उसके अपोजिशन में और कोई पार्टी नहीं है, वैसे ही क्यूबा में सिर्फ एक ही पार्टी है। तो क्योंकि अपोजिशन में कोई है ही नहीं, तो हर बार पावर में कौन आता है, वन पार्टी सिस्टम की वही जो पार्टी है वही पावर में हमेशा आती रहती है। एंड सेकेंड बात करें टू पार्टी सिस्टम की, तो जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि टू पार्टी सिस्टम है, इसका मतलब वहाँ पर दो पार्टीज कंटेस्ट कर रही होंगी। एक पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी जो मेजोरिटी शो कर पाएगी, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, दूसरी पार्टी ऑपोजिशन शो करेगी, ऑपोजिशन फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर दोनों पार्टी में चांस होते हैं कि कभी फर्स्ट पार्टी पावर में आ जाती है और कभी सेकंड पार्टी पावर में आ जाती है। कभी फर्स्ट पार्टी अपोजिशन फॉर्म कर लेती है, कभी सेकेंड पार्टी ऑपोजिशन फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं जो वन बाय वन एक पावर शो करती रहती हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल है इंग्लैंड एंड यूएसए, वहाँ पर बाय पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है। वहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो इंडिया एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब कि जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज़ कंट्री में पाई जाएँ वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। और यहाँ पर एंड इच हैविंग अ सब्सटेंशियल रोल टू प्ले, और यहाँ पर हर पार्टी का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। एंड चांसेस टू सिक्योरिंग पावर आइदर सिंगल हैंडलिंग और इन कॉलिजन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कि या तो वो अपने आप सिंगल अपने बलबूते पर अपनी मेजोरिटी शो कर पाए तो वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, अदरवाइज वो कॉलिजन में जाकर गठबंधन की सरकार को वो फॉर्म करती है किसी दूसरी पार्टी के साथ, वो क्या करती है, कॉलिजन करती है। और कॉलिजन करके वो मतलब दो तीन पार्टी मिलकर अपनी मेजोरिटी शो करती है और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं, इसको कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, फ्रांस, इज़राइल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल पार्टीज हमने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम उसके फंक्शंस को समझेंगे कि काम क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन कौन कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।